सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? जहाँ पे भी हो, उम्मीद करता हूँ सेफ साइड पे ही होंगे। तो कुछ दिनों से एक मैसेज आप सभी को फॉरवर्ड किया जा रहा है। एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट है जो WHO की प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको भेजा जा रहा है, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि WHO का एक प्रोटोकॉल है कि पहले 1 दिन, फिर 21 दिन, फिर 5 दिन का एक गैप, इस तरीके से एक शेड्यूल के हिसाब से लॉकडाउन को इम्प्लांट किया जाता है। अब इस चीज़ को देखने के बाद काइंड ऑफ मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इसको सच मान लिया था, और फिर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। मैंने सोचा था यार ये बहुत लंबा चलने वाला है, तो क्या होगा ना होगा, ऐसा सोचते हुए मैंने बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें प्लान कर ली। और फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे में मैं WHO की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे मुझे खास कुछ मिला नहीं, और तो मैंने सोचा शायद मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, और ऐसा कुछ प्रोटोकॉल होगा तो WHO की बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स ने भी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा होगा। तो मैंने जो मैं रिसर्च करता हूँ अपनी टेक के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे कुछ वेबसाइट पे मैं जा गया और ढूंढा, तो वहाँ पे मुझे खास कुछ मिला नहीं। लेकिन कल मुझे 2 स्क्रीनशॉट्स मिले, और एक वेबसाइट पे मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो मैसेज है ये फेक है, और इसको फेक प्रूफ करने के लिए मेरे पास 2 एविडेंस है। एक है साउथ ईस्ट एशिया, जो WHO का ट्विटर हैंडल है, वहाँ से एक ट्वीट किया गया था, और इस ट्वीट में जो इंडिया का हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको भी टैग किया गया था, प्रेस इन्फो इंडिया को भी टैग किया गया था, और वहाँ पे साफ साफ कह दिया गया था कि WHO का ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है जिसके तहत ऐसी कुछ जो लॉकडाउन इनको इम्प्लांट किया जा सकता है। और दूसरा एक है, 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो मिनिस्टर है हेल्थ मिनिस्ट्री का, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देखिए हम इस लॉकडाउन के बारे में अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं, आगे अगर कुछ ऐसा फैसला होता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो प्रूफ करता है ये जो मैसेज है ये फेक है, इसको जानबूझ के स्प्रेड किया जा रहा है। और ऐसे में इस मैसेज को स्प्रेड करने का मतलब क्या है? वैसे तो बहुत सारी फेक मैसेजेस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्प्रेड होते रहते हैं, लेकिन ना मैंने कभी इसके बारे में आप लोगों से मतलब खुल के बहुत डिटेल में बात की है, ना कभी आप लोगों ने किसी से जानने की कोशिश की है। तो ऐसे में आज हम जानेंगे कि इस तरीके की जो मैसेजेस हैं इनको फॉरवर्ड करके किसी को क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, अगर बात किया जाए कि इस तरीके की मैसेज को फॉरवर्ड करके क्या हासिल किया जा सकता है, तो इनसे आईपी एड्रेसेस हासिल किया जा सकता है। अब आईपी एड्रेस के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि आप कहाँ से हो, कहाँ पे रहते हो। तो ऐसे में 1-2 IP एड्रेसेस किसी के पास होगा तो वो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहीं अगर बहुत सारे लोगों का आईपी एड्रेस किसी के पास होगा और उसके थ्रू वो पता लगा सकता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन लोगों की नीड्स क्या है, वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ये अच्छे खासे पैसों पर बिक सकता है। तो ये जो चीज़ है, इसको इस आईपी लॉगर को थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं एक वेबसाइट के बारे में आपको बताऊंगा। इस वेबसाइट पे जाके आप इस चीज़ को डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। आईपी लॉगर काम कैसे करता है? किसी भी इंसान को आपको कुछ चीज़ें भेजना पड़ता है, जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई जो दोस्त है उसको बिल्ली या किसी और चीज़ पसंद है, तो आप सिंपली गूगल पे जाते हो, वैसा एक फ़ोटो सर्च करते हो, और उस फ़ोटो को डायरेक्ट ना डाउनलोड करके उस फ़ोटो का शेयर्ड लिंक को आप कॉपी कर लेते हो, और फिर इस वेबसाइट पे जाते हो और यहाँ पे एक लिंक जनरेट करते हो, और फिर उस लिंक को आप आगे व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो के साथ सेंड कर देते हो। वो बंदा जब उस फ़ोटो को क्लिक करता है या फिर उस लिंक पे जाता है, तो वहाँ पे आईपी एड्रेस उसका जो है वो कॉपी हो जाता है। अब उस आईपी एड्रेस के थ्रू, जैसा कि मैंने बोला, कहाँ पे आप रहते हैं, आपकी रिसेंट लोकेशन, ये छोटी मोटी चीज़ें निकाला जा सकता है। अब उन चीज़ों को किस तरीके से काम में लाया जा सकता है ये नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट उनको मिलता ही होगा। बिना किसी प्रॉफिट के कोई कोई कुछ भी काम नहीं करता। तो और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके के मैसेज को आप जो फॉरवर्ड कर रहे हो, तो इसके थ्रू एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। लॉकडाउन जैसे ही हटेगा 14 तारीख को, उसके बाद एक बहुत अमाउंट में लोग जाएंगे इस मैसेज को सच मानते हुए, जो फूड्स है, जो मेडिकल सप्लीमेंट्स है, जो मेडिसिंस हैं, उन सभी चीज़ों को लेने के लिए। और ऐसे में जो हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा ना हो, वो चीज़ नहीं मेंटेन कर पाएगा और पब्लिक गैदरिंग होने लगेगा। अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकता है, पुलिस को इसको कंट्रोल करने के लिए लाठी वगैरह चार्ज करना पड़ सकता है, गवर्नमेंट को काफ़ी कड़ी स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं, और लोग इतना डरे हुए होंगे, इतना सहमे हुए होंगे कि लोग भी गवर्नमेंट की बात नहीं मानना चाहेंगे।
तो इससे काइंड ऑफ एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो प्लीज़ अंधाधुंध ऐसा कोई भी मैसेज फॉरवर्ड मत कीजिएगा। मैं चाहता तो नहीं था कि इस विषय में मैं वीडियो बनाऊं। मैं आज किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा इस चीज़ के बारे में आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी है। तो WHO के नाम से, जो प्रोटोकॉल के नाम पे, आपको अगर कोई एक भी मैसेज भेजे तो उनके मुंह पे ये वीडियो दे मारिए। और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए कि क्या हो सकता है आगे जाके, जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप न्यूज़ चैनल कोई भी फॉलो करते रहिए। और ऐसा कुछ होता है तो मोदी जी खुद आके कहते हैं। यूट्यूब पे तो यूथ आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आपको पता लग जाएगा। ऐसे स्क्रीन शॉट्स के बाद पे मत आइए और फेक न्यूज़ मत फैलाइए। थैंक यू, शुक्रिया, लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।